भाजपा के नॉमिनी अनिल बैजल जी जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने किस तरह ना सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स का साथ नहीं दिया बल्कि खुल के उनके रेगुलराइजेशन का विरोध किया। और आज ये सारे कागज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एलजी साहब एक नोट लिखते हैं फाइल में कि ये सर्विसेज मैटर है और इसको सर्विसेज मैटर के तहत ट्रीट किया जाए, इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार का कोई भी अधिकार नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, कैबिनेट में डिसीजन लेती है, कोर्ट में बताती है हाई कोर्ट में कि हमने इनको रेगुलराइज करने का डिसीजन ले लिया है, तो एलजी साहब उस कैबिनेट के डिसीजन के बाद कहते हैं कि इस पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार और अरविंद केजरीवाल जी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, जो भी निर्णय होगा एलजी ऑफिस द्वारा होगा। उसके बाद एलजी साहब एक नोट लिख के भेजते हैं और ये सारी प्रतियां हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसमें एलजी साहब, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस नोट में अनिल बैजल जी का साइन भी है, तो ये एलजी साहब के किसी अफसर ने नहीं लिखा है, एलजी साहब ने खुद लिखा है और खुद साइन किया है, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। और उस नोट में मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और मैं इसमें से जो हाईलाइट किया है उसको रीड कर रही हूँ। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स इन दी MHA, यानी एलजी साहब ने ये खुद नहीं सिर्फ निर्णय लिया, उन्होंने केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से चर्चा की। द मैटर वॉज डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द MHA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु डील विद रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इश्यूज ऑफ JNK माइग्रेंट्स। इट वॉज इन्फॉर्म्ड दैट देयर इज नो स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स। सिंस देयर इज नो स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर रेगुलराइजेशन इवन विद यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू रेगुलराइज कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स। ये एलजी साहब ने खुद लिखा। जब हाईकोर्ट की डबल बेंच ये फिर से निर्णय दे देती है कि आपको रेगुलराइज करना है, तो फिर एलजी साहब को ये फाइल भेजी जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करेंगे डबल बेंच के निर्णय को चैलेंज करने के लिए। और जब SLP फाइल होती है तो कौन प्रस्तुत होता है दिल्ली सरकार और एलजी साहब की तरफ से? पिंकी आनंद जी। पिंकी आनंद जी जो भाजपा की लीगल सेल की अध्यक्ष हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं, जो भाजपा का पक्ष रखने के लिए अक्सर TV चैनल्स पर आती है। तो आज ये सारे कागजात देख के एक चीज स्पष्ट हो जाती है। कल तक हम ये कह रहे थे कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज हम उस स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले 8 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो एक छोटी सी चीज थी कि जो ये सिर्फ 233 कश्मीरी माइग्रेंट टीचर थे, जो उनको पक्का करने की अपॉर्चुनिटी थी, जो इतना दुख दर्द देख के दिल्ली आए थे, उनकी रेगुलराइजेशन का BJP ने विरोध किया।